जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका हौसला आपका दोस्त जो आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्राइस रुपये। जैसा कि आपको बता माको जो हमारा मुख्य गाड़ी को जमा बाजारों में लेकर जाते हैं, वहाँ से गाड़ियों के रेट के बारे में अपडेट करते रहते हैं। इस वक्त मैं बाहू मोटर की मेन एंट्रेंस पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह यहां पर काफ़ी ज़्यादा में गाड़ियाँ आई हुई हैं, आप मेरे अकाउंट पर देख सकते हैं। तो आज आपको दिखाते हैं इधर कौन कौन सी गाड़ियाँ मौजूद हैं और क्या क्या डिमांड है। सबसे पहले हमारे पास जो गाड़ी इधर है वो है होंडा सिटी 2017 का मॉडल है, वाइट कलर में। आपको बताया जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो वाइट कलर को ज़्यादा पसंद करते हैं बनस्बत दूसरे कलरों के, और इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है। अगर इसका आप कंपैरिजन टोयोटा के साथ करें तो बाकी बॉडी की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, नीट एंड क्लीन है। 2017 का मॉडल है और 32 लाख रुपया डिमांड की जा रही है। हमने आपको जमा बाजार में एक 2018 मॉडल गाड़ी दिखाई थी, उसकी तकरीबन 34.5 डिमांड की जा रही थी, और एक थी 20 मॉडल उसकी तकरीबन 33 डिमांड की जा रही थी। तो ये 17 है, इसकी 32 की जा रही है। बाकी आप डैशबोर्ड की कंडीशन चेक कर सकते हैं, नीट एंड क्लीन है, जो कि इंटीरियर गाड़ी को बहुत ही स्पीशियस लुक दे रहा है। सेंटर साइड कंट्रोल पैनल इंस्टॉल है, उसके ऊपर ही आपको हेडलाइट का बटन देखने को मिल जाएगा, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। बाकी आपको डोर्स की ओपनिंग क्लोजिंग की बता देती है कि गाड़ी किस कंडीशन में है, चारों विंडोज इसकी पावर है, किसी किस्म की कोई सील वगैरह नहीं डिस्टर्ब है। बाकी आप उसके ये कब्जे चेक कर सकते हैं, अक्सर आपको यहाँ नीचे से फेड वगैरह देखने को मिल जाती है, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। जिन भाइयों ने यहाँ पर टेपिंग वगैरह की होती है उनके बच जाता है। बाकी टायर की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, अलॉय व्हील भी मौजूद हैं और टायर्स भी अच्छी कंडीशन में है। ये नहीं है कि आपको परचेज़ करने के फौरन बाद टायर वगैरह पे कोई खर्चा वगैरह करना पड़े। बैक से आप गाड़ी का ओवरव्यू चेक कर सकते हैं, लाइटें नीट एंड क्लीन है, लाहौर की गाड़ी को रजिस्ट्रेशन है, बैक कैमरा इंस्टॉल है, और प्राइजेस वगैरह जो थी ये फाइनल नहीं है। आपको ज़ाहिर है इसमें से मजीद कमी पेशी हो जाएगी जब आप मोटर वालों से रबता करेंगे। तो अब हमारे पास इधर ये एक आल्टो आई हुई है सेल होने के लिए, 2009 का मॉडल है और 10,20,000 रुपया गाड़ी की डिमांड की जा रही है। बाकी आप इसकी ये लुक चेक करें, सियालकोट की गाड़ी को रजिस्ट्रेशन है, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हैं? कहाँ से आए हैं, कौन सी सिटी? गुजरात से आया हूँ। गुजरात से तो गाड़ी ढूंढ रहे हैं, कोई गाड़ी देख रहा हूँ। आप कुछ आपके चैनल को दो दिन से देख के भी आया हूँ, लेकिन वो जो आप दिखाते हो वो चीज़ तो मिल ही नहीं रही। कौन सी गाड़ी ढूंढ रहे हैं? मैं यार XLi देख रहा हूँ, 2014 मॉडल से लेके 17 तक, 17, 18, 16 आपको इस साइड से मिलेगी, पीछे 33-34 लाख की मिल रही है। 16 मॉडल, 16 मॉडल उधर तो तकरीबन मैं जो लास्ट टाइम गई तकरीबन 28-29 की इतनी नहीं, एक यहाँ पे 17 मॉडल खड़ी है, वो भाई 34 फाइनल बोल रहा है। 34 16 मॉडल की, वो तो बहुत ज्यादा, 17 मॉडल 34 फाइनल 36 तकरीबन 1 लाख और डाल के फिर 17 मॉडल बंदा GLi ना ले ले। मैं जो YouTube पे देखा है, लेकिन मैं अभी आपसे यही बात करनी थी कि अब आपने मेरे लिए ढूंढनी है क्योंकि मैं आपका चैनल देख के आता हूँ। सही है, तो किसी से वैसे कोई फर्स्ट टाइम आया हूँ ये भाई से मुलाकात हुई, बाइक के साथ ही जो है देख रहा हूँ, अपने लिए ढूंढ रहे हैं। आप कौन सी गाड़ी ढूंढ रहे हैं? मैं जो है ना एवरी ढूंढ रहा हूँ, ये कोई 18-19-20 हो ये मॉडल, एवरी दो साइड पे लगे होते हैं बस, वो सारे उस तरफ है, उस तरफ देख के, लेकिन वो ऑटो में है ना, बाइक मैनुअल चाहिए, मैनुअल चाहिए। सही है, जिन्होंने रेंट पे यूज करना था वो मैनुअल को ज्यादा पसंद करते हैं। तो उस मार्केट में मुल्तान गुजरात की और इस मार्केट में आपने प्राइस का क्या डिफरेंस देखा है? वो तो ये बताएंगे, मैं तो डस्का से हूँ, का फर्क है, लेकिन गुजरात में इसलिए नहीं ले रहा कि वहाँ पे ज्यादातर ना ये जो मुझे गाड़ी चाहिए स्पेसिफिकली वो रेंट के ऊपर चलती है ज्यादा। सही, इधर क्वांटिटी ज्यादा है गाड़ियों की, जी आप अपनी पसंद की किले से, लेकिन रेट भी ना आए होते हैं ना इस वजह से यहाँ पे, लेकिन वो बंदे रेट भी मुझे वो बड़ा हाई लेवल दे रहे हैं, जिस हिसाब से डिमांड कर रहे होते हैं ना फिर प्राइस भी उसी हिसाब से नीचे गिराते हैं। इधर जो शोरूम वाले लोग हैं ना जी इंतजामिया के, आप उन्हें अटैच करें ना तो वो कर दें, लेकिन वो लेकिन जो शोरूम वालों की जो खुद की गाड़ी है ना उधर फिर उन्होंने आपको नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ऐसा ही है। नहीं नंबर मेरे से लिए इन्होंने, कहते हैं कि हम लोग कोई कोई निकालते हैं, आप आना संडे को आ जाना या जो भी है, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, अच्छा लगा आपसे दिन आदमी। हमारे पास आल्टो है 9 मॉडल है और 10,20,000 रुपया गाड़ी की डिमांड की जा रही है। बाकी आप उसके इंजन रूम की कंडीशन चेक कर सकते हैं, ओल्ड मॉडल है, कंडीशन उस हिसाब से ही है, लेकिन बॉडी नीट एंड क्लीन है। फिर भी हल्के हल्के से ये आपको डोर्स पर अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके, ये माइनर से डेंट्स वगैरह हैं। बाकी टायर की आप कंडीशन चेक करें, जो कि ब्रांडिंग है, अलॉय व्हील भी मौजूद है, और आपको पता है एक अलॉय व्हील एक गाड़ी की एवरेज को मेंटेन रखने में बड़ा इंपैक्ट डालते हैं और लुक को भी चार चांद लगाते ही हैं। बाकी आप डैशबोर्ड चेक करें, सीट्स चेक कर सकते हैं। तो अब हमारे पास इधर ये एक जापनीज आल्टो आई हुई है सेल होने के लिए, लाहौर की गाड़ी को रजिस्ट्रेशन है, पाकिस्तानी आल्टो से 100 दर्जे बेहतर गाड़ी है और 13 का मॉडल है, सिंपल रिम टायर हैं और टायर भी इसके अच्छी कंडीशन में है। डोर्स भी आपको ज़रा स्क्रैचेज वगैरह देखने को मिल जाएंगे, लेकिन डैशबोर्ड की आप कंडीशन चेक कर सकते हैं, गाड़ी वैसे भी नीट होने वाली है।
ये नीचे से आपको फेड भी देखने को मिल जाएगी, ये स्क्रैचेस वगैरह हैं कुछ, बाकी आप कब्जे वगैरह चेक कर लें। चारों विंडोज इसकी पावर है, ऑटो ट्रांसमिशन के साथ है। बाकी आप इसका बैक से ऊपर भी चेक कर लें, सर्दी बहुत ज़्यादा है लेकिन सूरज भी जो है वो निकल आया थोड़ा थोड़ा सा। तो अब हमारे पास इधर ये एक सिटी मौजूद है, 2004 मॉडल है, ब्लैक कलर में है, हल्की फुल्की फेड और स्क्रैचेज वगैरह हैं बॉडी पे, और 14,90,000 रुपये गाड़ी की डिमांड की जा रही है, ऑटो ट्रांसमिशन के साथ है, LCD इंस्टॉल है, डैशबोर्ड आप चेक कर सकते हैं नीट एंड क्लीन है, बाकी डोर्स की कंडीशन चेक कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई सील वगैरह नहीं डिस्टर्ब है। टू टोन कलर में इसकी सीट्स हैं, वो भी नीट होने वाली हैं। बाकी आप इसके ये कब्जे चेक करें, ये आपको फेड देखने को मिल जाएगी, ज़ाहिर है ओल्ड मॉडल है। टायर की कंडीशन बेहतर है, अलॉय व्हील भी मौजूद है, बैक से ओवर व्यू चेक कर लें आप इस गाड़ी का, लाइट चेक कर लें, बाकी आपको इंजन रूम की कंडीशन चेक करवाते चलते हैं। इंजन रूम लचपच कंडीशन में है, फ्रंट की पट्टी चेक कर सकते हैं, चेसिस नंबर चेक कर सकते हैं, कूपे चेक कर लें, कोई रस्ट नहीं है, ड्राइव बैटरी चेक कर लें, कूलेंट चेक कर लें, ऑल पंजाब की गाड़ी को रजिस्ट्रेशन है। इधर हमारे पास इधर एक होंडा स्विक आई हुई है, तेरह निकली है, 2004 का मॉडल है और 13,50,000 रुपया गाड़ी की डिमांड की जा रही है, डुप्लीकेट कापी है इसकी, ओरिजिनल नहीं मौजूद। बाकी आप इसके डैशबोर्ड की कंडीशन चेक करें, LCD इंस्टॉल है, उसके ऊपर ही आपको हेडलाइट का बटन देखने को मिल जाएगा, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, चारों विंडोज इसकी पावर है, कंसोल इसका बहुत ही नीट है, मैनुअल में आपको बता सभी कम ही देखने को मिलती है, बैक पे आपको स्पॉइलर देखने को मिल जाएगा, लाइटें इसकी नीट हैं और लाहौर की गाड़ी को रजिस्ट्रेशन है और बॉडी भी नीट एंड क्लीन है, अलॉय व्हील मौजूद है और योकोहामा के टायर हैं जो कि अच्छी कंडीशन में है, ये नहीं है कि आपको परचेज करने के बाद टायर भी चेंज करवाने पड़े। तो इधर हमारे पास ये एक निसान की गाड़ी आई हुई है, लेकिन इसकी कोई डिमांड वगैरह नहीं लिखी हुई, ना मैंने ये गाड़ी आज से पहले कभी देखी है। तो अब हमारे पास इधर ये एक मेहरान आई हुई है सेल होने के लिए, 2010 का मॉडल है, फर्स्ट ऑनर है, टोटल जेन्युइन गाड़ी है, हल्की फुल्की फेड और माइनर से स्क्रैचेज वगैरह हैं, डीप स्क्रैचेज नहीं है, लाहौर की गाड़ी को रजिस्ट्रेशन है और सबसे बड़ी बात है टोटल जेन्युइन है और है भी फर्स्ट ऑनर, और इसके बम्पर हैं वो कंट्रास में है, डैशबोर्ड आप चेक कर सकते हैं जो कि नीट एंड क्लीन है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, कुछ ही इसके बड़ी पायदार नफीस किस्म की हैं और 8.85 डिमांड है जो कि ज़ाहिर है फाइनल नहीं है, आपको ज़ाहिर है इसमें मजीद कमी पेशी हो जाएगी, टायर की आप कंडीशन चेक कर लें जो कि तकरीबन 80% है, अलॉय व्हील नहीं मौजूद, सिंपल व्हील कैप्स हैं। तो अब हमारे पास इधर ये एक और ऑल्टो आई हुई है, 2010 मॉडल है और 11,25,000 रुपये गाड़ी की डिमांड की जा रही है, लाहौर की गाड़ी को रजिस्ट्रेशन है, बॉडी की आप लुक चेक कर सकते हैं, जस्ट ये एक आपको डेंट और ये स्क्रैचेज वगैरह देखने को मिलेंगे, अलॉय व्हील बहुत ही प्यारे हैं जो कि सिल्वर ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन के साथ हैं, ब्रांड न्यू टायर हैं, डैशबोर्ड आप चेक कर सकते हैं, फैब्रिक्स की सीट्स हैं, आपको पता है फैब्रिक्स में बंदा कंफर्टेबल फील करता है बनिस्बत लेदर के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जनाबे वाला, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, नया साल चढ़ गया, तो कोई प्राइसेस डाउन हुई हैं कि नहीं, या पिछले साल वाली चल रही है अभी? उससे भी ज्यादा है। ये आप देख तो रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है इसका मॉडल और 11-25 कितनी डिमांड है, 25 और ये कंडीशन भी आप देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है इसकी, बिल्कुल स्क्रैचेज है, अपनी पसंद के मुताबिक रेट चला रहे हैं लोग, पसंद का रेट है जी, कोई किसी की नहीं, ये नहीं है कि ये मॉडल है ये इस तरह की है, कोई मसला नहीं है ऐसा, जिसका जो दिल है वो लगा के वही लगा रहा है वही बेच बाद में जो कस्टमर आए बेशक हो गए 8,00,000 की लेनी है मैंने, तो फिर उधर ये कह रहे हैं कि मार्केट में रेट बहुत कम लगा रहे हैं, ये सारा कस्टमर पे इसका 9,00,000 रुपया लगाया जी, ठीक है, लेकिन उन्होंने वो हमें पेपर दिखा दिया जितने की उन्होंने खरीद की हुई है, उन्होंने 11,00,000 की खरीद की है, महंगी खरीद ली उन्होंने, हमें कहते हैं 11,00,000 की देनी है, हमने कहा 9, 9.5 की गाड़ी है, इससे अबव नहीं है,
मानते नहीं है ना भाई वो, मतलब परचेजिंग जिन्होंने एक्सपेंसिव की है वो कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी भी आगे महंगी उतने की सेल हो, घाटा नहीं चाहते वो, नहीं चाहते वो, लेकिन महंगी खरीदी हुआ अब हमारा कसूर तो नहीं है ना। बिल्कुल ऐसा ही शोरूम का अपना। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। नादरी आप देख सकते हैं ये हमारे साथ इंतजामिया के भाई हैं, ये जो सी पंपलेट वगैरह डिमांड वगैरह लिखी होती हैं ये भाई लिख के देते हैं। तो अब हमें इजाज़त है, मिलते हैं आप साथ अगली वीडियो में, बहुत शुक्रिया।